पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद। व्यापारी के घर से लाखों की डकैती हुई। पूरी खबर जानने के लिए पीपीएफ लाइव के साथ जुड़े रहिए। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले आपके फोन पर पीपीएफ लाइव की सारी खबरें मिलती रहें और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलते हैं। आइए खबर करते हैं शुरुआत। बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर से 32 लाख रुपए की चोरी हुई, जिससे मच गया हड़कंप। बेटी व भतीजी की शादी के लिए घर में व्यापारी ने रखे थे रुपए। आज परीक्षा करने जा रहा था व्यापारी। मोहल्ला सातनपुर कोटा निवासी अवधेश शाक आईटीआई सातनपुर मार्ग पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान किए हुए हैं। दुकान के पीछे बने घर में ही पूरे परिवार के साथ रहते हैं व्यापारी अवधेश शाक। रात करीब 2:30 बजे जब उठे तो उन्हें नीचे दुकान के पास कमरे का गेट खुला दिखाई दिया। जब उन्होंने नीचे जाकर कमरे में देखा तो वह दंग रह गए और उनकी अलमारी व तखत के नीचे रखे करीब 32 लाख रुपए गायब थे, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद दो सिपाही मौके पर पहुंचे। उनसे व्यापारी के परिजनों का विवाद भी हो गया। गुस्साए व्यापारियों ने परिजनों ने सातनपुर मंडी आईटीआई चौराहा पर जाम लगाने का प्रयास भी किया। घटना की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शहर कोतवाल ने पीड़ित व्यापारी से घटना के संबंध में जानकारी ली। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट ने साक्ष्य भी एकत्रित किए। पीड़ित व्यापारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आईटीआई सातनपुर मंडी मार्ग के पास स्थित मोहल्ले का है यह पूरा मामला। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है पीड़ित बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान। क्या नाम है दादा आपका? अवधेश। अच्छा, एक कौन सा मोहल्ला था? सातनपुर कोटा। अच्छा, तो क्या घटना हो गई आपके? हमारे घर चोरी हुई। क्या क्या सामान चला गया आपके साथ? सब रुपया चलो। अंदाज से कितना? 32 लाख रुपया जरूर बिटिया की शादी के लिए। नगद शादी कब थी बिटिया? बिटिया लगा रुपये कल जा रहे थे तो जेवर जेवर वगैरह भी गया? जेवर नहीं, रुपया धरे थे सब। तो दुकान देख में खुद के रुपया रुपये कहाँ रखो? दुकान किसमें रखो? क्या नीचे धरो थे सका थे पास। तो ये अंदाजा लगा कैसे निकले आप? चाबी वगैरह ढूंढ रहे थे क्या हुआ? अरे चाबी दे रहे थे हमने अंदर 2:30 बजे रात में। हाँ, चाबियाँ मिली नहीं आपको? हाँ, दो या मुँह बच के गए दीवार खुले थे नीचे के। हाँ। अच्छा, रुपया रखा किसमें था? रुपया तकत पे धरो तो दुकानदारी को ये मुँह धरो तो। अच्छा, तो सब निकाल लिया? सब निकाल लिया भैया। बार्सिलोना शोरूम शादी के सीजन पर लेकर आया है नया वेडिंग कलेक्शन। पार्टी वियर सूट, कोटी, स्वेट शर्ट, जैकेट, किड्स ब्लेजर, जीन्स, ट्रैक सूट, कुर्ता पाजामा सहित न्यू बेडिंग कलेक्शन व एक्स्ट्रा साइज की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। पड़ोस वाली बार्सिलोना फर्रुखाबाद शॉप है तो आउट ऑफ फैशन होने का सवाल ही नहीं। विजिट बार्सिलोना स्टोर इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक स्टोर। रेट बहुत अच्छी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत जेन्युइन प्राइस है। जैकेट लिए पता लोहाई रोड फरुखाबाद। बिशंबर नाथ सत्येंद्र प्रकाश एंड सन्स सूटिंग शर्टिंग लेडीज सूट शॉल स्टॉल ब्लैंकेट शूटिंग शर्टिंग कंबल लेडीज सूट शॉल स्टॉल हर तरीके का आइटम मिल जाएगा शादी से संबंधित। कालीन सेंटर फरुखाबाद की सबसे पुरानी दुकान। हमारे यहाँ बेड शीट कालीन रेडीमेड कुशन सोफा कवर आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शिव गौरी साड़ी कलेक्शन रेडीमेड कर्टेन सोफा कवर्स कालीन साड़ी लहंगा लांचा बेडिंग दुपट्टा व वैवाहिक साड़ियों का अनुपम संग्रह। पता नेहरू रोड इंपीरियल होटल के पास फरुखाबाद। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब पनीर अंगारा मलाई चाप शाही पनीर दाल हांडी स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ।
खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।